राजस्थान में JEE भर्ती पेपर लीक मामले में अब एक नया मास्टरमाइंड सामने आया है, जहां SOG ने 41 साल के जगदीश विश्नोई को गुरुवार दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों के दौसा और जयपुर इस्कला भरतपुर में 14 से ज़्यादा ठिकानों पर गुरुवार को SOG टीम ने दबिश दी। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी और पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के दौसा महुआ और जयपुर और भरतपुर के 7 से ज़्यादा ठिकाने शामिल है। स्कूल टीचर राजेंद्र कुमार यादव के आवास सहित उसके साथ ही ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां हर्षवर्धन की 5.71 करोड़ और राजेंद्र की 15 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। इसके अलावा SOG टीम ने दौसा में एक बाबा के आश्रम में 4 घंटे कार्रवाई की, जहां 1 दर्जन आंसर शीट बरामद की गई। टीम ने इसे जब्त करते हुए आश्रम को सील कर दिया। JEE पेपर लीक मामले में SOG टीम ने भरतपुर में हर्षवर्धन के ससुराल में छानबीन की। अब तक की जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों की पत्नी, भाई बहन और रिश्तेदार सभी सरकारी नौकरी में, और इसलिए इनकी जांच भी शुरू कर दी गई कि वे किस साल किन लोग भर्ती हुए और उस दौरान क्या कोई पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी भी अब SOG जांच कर रही है। SOG जांच में यह भी सामने आया, आरोपी हर्षवर्धन मीणा ने दौसा में एक बाबा के आश्रम में 4 बार फरारी काटी थी। पता चला कि हर्षवर्धन ने पेपर चुराकर अकेले महुआ से 30 लोगों को पटवारी परीक्षा पास करवा दी थी। अब SOG टीम इन सभी की जांच कर रही है।